बागमती नदी की यह तस्वीर आप देखिए और सामने का यह जगह देखिए जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं वह तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर। यह जो जगह है यहाँ पर भले ही बालू के बोरे रखे गए हैं यह नाकाफी है और यह कटाव का हिस्सा है। अगर बागमती की धारा अब की बार नहीं तो अगली बार निश्चित रूप से यह जो स्थिति है कटाव की बनी हुई है बिखर रहा है और धारा देखिए कि कैसे यहाँ पर कटाव किया है। इस जगह को काटने के बाद सीधा नदी की लाइनिंग सीधा बढ़ेगा और यह जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े यह भी कटाव के पार्ट में आ सकते हैं। सामने से जो बागमती की धारा आई है यह कटाव लगातार कर रही है। वार्ड संख्या 5 का यह हिस्सा है जहां पर यह अत्यधिक कटाव हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बसंत है। ये कौन सा जगह जिसको कटाव हो रहा है? छोटी सलाह 5 नंबर वार्ड है। हाँ। और नदी का प्रवाह देखिए, पानी का प्रवाह देखिए कितना तेजी से भी है और थोड़ा पानी और घटेगा सर तो यहाँ पर कटानी हो जाएगा। कटानी होगा ना तो 150 बोरा ला करके क्या कहते हैं, क्या कहे, चमचे सब कहेंगे। हाँ, ना हाँ। चमचे सब हम कहेंगे, चमचा सब 50-50 बोरा ला करके डाल देगा और उसके बाद फोटो खींच करेगा, उसका पैसा तो अपना छूट जाता, लेकिन मेरा कटाव बंद नहीं होता है। बस अगर यही गुजारिश, अगर ये कटाव हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? नुकसान मेरा घर पूरा चला जाएगा, घर पूरा चला जाएगा, पेड़ पौधा सारा खत्म हो जाएगा, बथान जो भी है सब खत्म। जी 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 पूरा खत्म। प्रशासन से आप अस्थायी निदान की मांग कर रहे हैं? जी जी नहीं, अस्थायी निदान हो या नहीं हो ठीक है, अगर अस्थायी निदान प्रशासन जी हमको नहीं कर पा रहे हैं तो इसका व्यवस्था करें, और इसका व्यवस्था नहीं करता अस्थायी निवास का स्थान दे। दीपक कुमार तिवारी, A to Z News Live, समस्तीपुर बिहार।